हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th चैप्टर, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जैसे कि आप सभी बच्चे लोग इस चैप्टर की डिमांड कर रहे थे, तो इसलिए हम पहले इसी का वीडियो बना रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये पेपरों के लिए इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। पेपरों में इससे लगभग लगभग 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन तीनों का अध्ययन हम एक साथ क्यों कर रहे हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये तीनों अलग अलग कंपाउंड हैं, लेकिन हम इनको एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनमें एक समानता पाई जाती है। वो समानता क्या होती है कि सब में कार्बनिल समूह मौजूद होता है। एल्डिहाइड में भी कार्बनिल समूह होता है, कीटोन में भी और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी। और कार्बनिल समूह क्या होता है? अगर कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हों तो ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? कार्बनिल समूह। इसको हम दिखाते हैं सी डबल बॉन्ड हो। अब कार्बन की संयोगता 4 होती है, तो 2 संयोगता यहाँ से पूरी होगी और 2 आपको सिंगल बॉन्ड इसके लेफ्ट में लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह का जो फंक्शन ग्रुप है वो कार्बनिल समूह कहलाता है। तो एल्डिहाइड कीटोन और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उन सब में क्या होता है? सी ओ ग्रुप मौजूद होता है। अब यहाँ पर सी ओ ग्रुप में यहाँ पर और यहाँ पर क्या चीज़ें जुड़ी हैं, तो उसके अनुसार ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। मान लेते हैं इस जो दोनों सिंगल बॉन्ड हैं, इसके इस तरफ भी हाइड्रोजन जुड़ी है और इस तरफ भी हाइड्रोजन जुड़ी है, या कोई एल्किल समूह जुड़ा है, तो तब हम कहते हैं कि जो हमारा कार्बनिक यौगिक प्राप्त होगा वो एल्डिहाइड होगा। तो पहले हम एल्डिहाइड लेते हैं। तो एल्डिहाइड में जो कार्बनिल समूह होता है, ये कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। तो इसके एक और हाइड्रोजन परमाणु होगा और एक तरफ कोई या तो एल्किल समूह हो जाएगा या कोई हाइड्रोजन परमाणु हो जाएगा, यानी इसमें कार्बनिल समूह के एक और हाइड्रोजन परमाणु होना जरूरी है। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइडों में एक कार्बनिल समूह आपको दिख रहा है, तो ये कार्बनिल समूह मौजूद है। और कीटोनों में भी एक कार्बनिल समूह होता है, सी ओ ग्रुप, लेकिन अंतर क्या होता है कि वहाँ हाइड्रोजन परमाणु से ये नहीं जुड़ा रहता। कीटोनों में जो कार्बनिल समूह है वो इधर भी एल्किल समूह से जुड़ा रहता है और दूसरी तरफ भी एल्किल समूह से जुड़ा रहता है। ये एल्किल समूह एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो कीटोनों और एल्डिहाइडों में ये बेसिक डिफरेंस है। जो एल्डिहाइड होते हैं उनमें भी कार्बनिल समूह होता है और कीटोनों में भी कार्बनिल समूह उपस्थित होता है। एल्डिहाइडों में जो कार्बनिल समूह है ये एक और हाइड्रोजन से जुड़ा होगा और एक और या तो हाइड्रोजन होगा या कोई एल्किल समूह होगा, कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी होता है इसमें। जबकि इसमें क्या होता है, कीटोनों में जो कार्बनिल समूह होता है वो हाइड्रोजन परमाणु से ना जुड़ा होकर किसी एल्किल समूह से जुड़ा होगा। और क्रियात्मक समूह की दृष्टि से देखा जाए तो एल्डिहाइड जो होते हैं इनमें फंक्शन ग्रुप क्या होता है? CHO। तो यहाँ जो एल्डिहाइड होता है उसको हम उसमें जो क्रियात्मक समूह है वो CHO लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं CHO, ये फंक्शनल ग्रुप मिल गया। जबकि जो कीटोन होते हैं उनमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो CO ग्रुप होता है। जो CO ग्रुप है ये दोनों ओर एल्किल समूह से जुड़ा होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में ये दो अंतर हो गए। समानता क्या है कि दोनों में कार्बनिल समूह है, अंतर क्या है कि यहाँ कार्बनिल समूह एक और हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है, एक और एल्किल समूह से एल्डिहाइडों में, जबकि कीटोनों में दोनों ओर एल्किल समूह से जुड़ा होता है। दूसरा अंतर क्या है कि यहाँ क्रियात्मक समूह CHO होता है और जबकि यहाँ जो क्रियात्मक समूह होता है वो CO ग्रुप होता है। इसके अलावा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसमें भी कार्बनिल समूह मौजूद होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम कैसे लिखाते हैं? RCOOH। तो इसमें भी ये CO ग्रुप मिल जाएगा आपको, लेकिन ये जो CO ग्रुप है ये एक और हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा होता है और एक और एल्किल समूह से जुड़ा होता है। इसको आप यहाँ के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसमें भी CO ग्रुप है, कार्बनिल समूह, लेकिन ये एक और किससे जुड़ा है? एल्किल समूह से, और एक और किससे जुड़ा है? हाइड्रोक्सिल समूह से। तो यहाँ जो चैप्टर का नाम था एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इन तीनों का अध्ययन हम एक साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन तीनों में क्या होता है? कार्बनिल समूह, यानी जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, ये मौजूद होता है। तो ये मौजूद होने से क्या होता है कि इनके रासायनिक गुणों में बहुत सारी समानताएँ पाई जाती हैं। तो इस कारण हम इनका तीनों का अध्ययन एक साथ ही कर रहे हैं। इसके अलावा जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ये समावयता भी प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों समावयवी यौगिक होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, तो इसलिए इनके गुण भी क्या होते हैं? बहुत सारे एक जैसे होते हैं। इनकी निर्माण की विधियाँ, रासायनिक गुण, आगे हम चैप्टर में देखेंगे कि इनमें बहुत सारी समानताएँ पाई जाती हैं। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक अम्ल के कुछ व्युत्पन्न भी होते हैं कि अगर RCOH की O या H को कोई दूसरा समूह प्रतिस्थापित कर दे तो उससे अम्लों के व्युत्पन्न बन जाते हैं। जैसे सपोज यहाँ OH की जगह अगर X आ जाए तो क्या बन जाएगा हमारा? RCOX। तो तब हम इसको क्या कहते हैं? एसिल हैलाइड या अम्ल का हैलाइड।
तो ये किससे व्युत्पन्न हुआ है? अम्ल से। तो हम कहेंगे ये कार्बोक्सिक अम्ल का क्या है? व्युत्पन्न है। तो कार्बोक्सिक अम्ल की OH को एक्स से हटा दो तो ऐसी हैलाइड बन जाता है। ऐसे अगर इसके दो अणु लेके जल निकाल दो तो एनहाइड्राइड बन जाता है, अम्ल का एनहाइड्राइड, जिसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। फॉर्मूला होता है इसका RCO का होल ट्वाइस हो। ऐसी एस्टर समूह में क्या होता है कि ये जो OH है इसकी जगह OR आ जाता है, तो ये एस्टर बन जाएगा RCOO R- तो RCOR- सूत्र के यही क्या कहलाते हैं, एस्टर। तो ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न हैं। और ऐसे ही लास्ट में हम लेते हैं OH की जगह अगर NH2 आ जाए तो तब हमारा कंपाउंड क्या बन जाता है, RCO NH2, जो एमाइड कहलाता है। तो इस प्रकार ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये जो सारे कंपाउंड हैं ये इस कार्बोक्सिलिक अम्ल से पैदा हुए हैं, उससे व्युत्पन्न हुए हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न माने जाते हैं। तो आगे रासायनिक गुणों में हम बहुत सारे इसके कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में बहुत सारी समानता होती है क्योंकि ये दोनों समावयवता भी प्रेषित करते हैं, ये दोनों क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं, इसलिए इनका अध्ययन हम एक साथ कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे और जो एल्डिहाइड कीटोन समाप्त हो जाएगा उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोनों में पहले इनका नामकरण लेते हैं, नाम पद्धति। तो नाम पद्धति में इनके दो नाम हो जाते हैं, एक सामान्य नाम और एक IUPAC नाम। तो अगर इनका आपने नामकरण करना है तो पहले हम एल्डिहाइडों के लिए रूल सीखते हैं कि एल्डिहाइडों का सामान्य नाम किस तरह से रखा जाता है। अब एल्डिहाइडों के लिए सामान्य नाम के लिए कोई विशिष्ट नियम नहीं होते, इसका एक नियम आप इस तरह से बना सकते हो कि जो इसके शुरू के सदस्य होते हैं, जो शुरू के इनके तीन चार सदस्य होते हैं, तो उनके लिए हम ये रूल बना सकते हैं कि ये जिस संगत अम्ल से बने होते हैं तो उसमें से हम क्या करते हैं, एक एसिड हटा देते हैं, एक अम्ल को हटा देते हैं और क्या जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। तो इससे क्या बन जाते हैं, इनके सामान्य नाम बन जाते हैं। और बाकी IUPAC नाम बनाना है तो IUPAC नाम में यहाँ पर एल्डिहाइडों में फंक्शन ग्रुप क्या होता है, CHO। यहाँ जो फंक्शन ग्रुप होता है एल्डिहाइड में वो CHO होता है। अब CHO के लिए आपने 11th में पढ़ा होगा कि कौन सा अनुलग्न यूज़ होता है, अल, AL, अल। तो यहाँ एल्केन में हम अल जोड़ देंगे तो एल्केन प्लस अल, तो एल्केन प्लस अल करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्केन अल। तो एल्केन अल क्या होता है, इनका IUPAC नाम होता है। और सामान्य नाम के लिए हम जो प्रारंभिक सदस्य हैं इनके, उनके लिए संगत अम्ल के नाम में से एक हटा के, एक अम्ल हटा के एल्डिहाइड जोड़ देंगे। तो जैसे इसको एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले इसका पहला सदस्य लेते हैं SCHO। अब ये जो हमारा SCHO होता है ये किस अम्ल से बना होता है, ये SCOH से बना होता है, HCOOH, तो इससे बना होता है। अब SCOH को क्या कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल। इसका नाम आपने सुना होगा, SCH को हम बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल में से एक हटा दिया हमने, फॉर्मिक में से एक गया तो फॉर्म प्लस एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका सामान्य नाम क्या बन जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो सामान्य नाम इनके किसी गुण या स्रोत के आधार पर रखे जाते हैं, तो उसके लिए हमने पहले संगत अम्ल का नाम लिया, उसमें से एक अम्ल हटा के एल्डिहाइड जोड़ दिया। IUPAC नाम एल्केनल से बन जाएगा। अब यहाँ कार्बन कितने हैं, एक, तो एक से कौन सा एल्केन आता है, मैथेन, तो मैथेन प्लस अल करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैथेनल। तो इसका IUPAC नाम बन जाएगा मैथेनल। ऐसे अगला सदस्य लेते हैं CH3CHO, तो इसका संगत अम्ल क्या है, CH3COH, जो एसिटिक अम्ल कहलाता है। तो एसिटिक अम्ल में से एक अम्ल हटा देना है, तो एसिटिक में से एक गया तो एसिड, तो एसिड प्लस एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। IUPAC नाम बनाएंगे तो CHO से जुड़ी कार्बन को एक नंबर देते हैं, ये CHO फंक्शन ग्रुप है, यहाँ क्रियात्मक समूह। तो IUPAC नाम में क्रियात्मक समूह को वरीयता दी जाती है। तो हमने अंकन कहाँ से करते हैं, यहाँ से क्रियात्मक समूह निकट हो, इसको एक नंबर दे दिया और इस कार्बन को हमने दो नंबर दे दिया। अब इसका नाम बनाएंगे तो दो से क्या, कौन सा एल्केन आएगा हमारा, एथेन, एक से मैथेन, दो से एथेन, तीन से प्रोपेन, चार से ब्यूटेन। तो आपको पाँच छः याद होनी चाहिए। तो दो से बन गया हमारा एथेन और अनुलग्न क्या होता है इसका, अल, तो एथेन प्लस अल करेंगे तो एथेनल हो जाएगा। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनल। ऐसी कुछ अगर उच्च सदस्य की बात करें, ये CH3 का होल ट्वाइस CH CHO। तो सामान्य नाम में CH3 का जो होल ट्वाइस CH है इसको आइसो समूह बोलते हैं। तो यहाँ इसके नाम के
शुरू में क्या आ जाएगा, आइसो। और कार्बन कितने हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, और ये दो कार्बन है तो तीन चार, तो यहाँ टोटल चार कार्बन है, तो चार कार्बन वाला एसिड कौन सा होगा, ब्यूटायरिक एसिड। तो यहाँ पर हमने आगे से आइसो भी लगाना है, तो आइसो ब्यूटायरिक एसिड में से एक हटा के एल्डिहाइड जोड़ देना है, तो आइसो ब्यूटी एल्डिहाइड, तो इसका सामान्य नाम हो गया। इसके मेन आईयूपीएसी नाम होते हैं, आईयूपीएसी नाम की रचना करनी आपको आनी चाहिए। इसका आईयूपीएसी नाम बनाने के लिए हम इसको थोड़ा इस तरह से भी लिख सकते हैं कि CSC का उल्टा इस CH। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो दोनों मैथिल समूह हैं ये इस CH से जुड़े हैं, तो एक मैथिल समूह को हम क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा के नीचे से डाल देते हैं CH3। तो एक CST तो यहीं रहा और एक CST हमने नीचे कर दिया है। अब इसमें अगर हम नंबरिंग करेंगे तो अंकन कहाँ से करते हैं, यहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो, तो CHO समूह हमारा क्रियात्मक समूह है, तो इसकी कार्बन को हमने एक नंबर डाल दिया है, तो ये एक हो गया, ये दो हो गया और ये तीन हो गया, तो तीन कार्बन हो गए, तो ये तो हमारी जनक श्रृंखला बन गई। अब जनक श्रृंखला में कौन नहीं आ रहा है, ये तो ये प्रतिस्थापी होगा, तो सबसे पहले क्या होता है प्रतिस्थापी का नाम, तो प्रतिस्थापी कहाँ पर जुड़ा है, टू पे, तो टू पे क्या जुड़ा है, मैथिल, तो टू मैथिल। और इस जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन से क्या आएगा, प्रोपेन, और अनुलग्न लगाया हमने अल, तो क्या हो गया प्रोपेनल, तो टू मैथिल प्रोपेनल, तो ये इसका क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया। तो ये कुछ एलिफैटिक यौगिकों के नाम हो गए। इसके अलावा एक और लेना चाहें तो CH2 डबल बॉन्ड CH CHO है, तो सामान्य नाम तो इसका रटना है आपने, इसमें जो ये याले रूल बताए ये जो प्रारंभिक सदस्य उन्हीं के लिए लगते हैं, बाकी इसका सामान्य नाम आपने रटना है। इसका सामान्य नाम होता है एक्रोलीन, सामान्य नाम के लिए कोई रूल नहीं होते हैं, आपने IUPAC नाम सीखते हैं। तो IUPAC नाम कैसे बनाएंगे, CHO की सी को एक नंबर दिया, तो एक दो तीन, तो तीन से कौन सा एल्केन बन जाएगा यहाँ पर, प्रॉप, तो प्रॉप, और टू पे क्या जुड़ा है, इन, और वन पे क्या जुड़ा है, अल, तो प्रॉप टू इन वन अल, और वन आप नहीं भी लिखें तो चल जाता है, तो हमारा IUPAC नाम क्या हो जाएगा, प्रॉप टू इन अल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन कितने हैं, तीन, तो तीन से क्या बन गया, प्रॉप, और टू पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, तो टू इन, और वन पे क्या जुड़ा है, ये फंक्शन ग्रुप, तो इसके लिए क्या लगाना है आपने, अल, तो प्रॉप टू इन वन अल या प्रॉप टू इन अल। तो कुछ एलिफेटिक है क्योंकि IUPAC नाम हो गया। अब आते हैं कुछ एरोमेटिक, तो एरोमेटिक में आपको जनक सदस्य याद होना चाहिए कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CHO जुड़ा हो तो उसको बेंजीन कार्बेल्डिहाइड बोलते हैं। इसका एक और जो प्रचलित नाम है वो क्या है, बेंजल्डिहाइड, यही इसका सामान्य नाम भी है और यही IUPAC नाम भी है, इसको आप दोनों नाम मान सकते हैं, ये इसका सामान्य नाम भी है और यही IUPAC नाम भी है, तो इन दोनों में से आप कोई भी एक नाम ले सकते हैं, या तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड या दूसरा नाम क्या है इसका, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, तो ये इनके IUPAC नाम हो गए। दूसरा कंपाउंड लेते हैं हम, इसमें बेंजल्डिहाइड की रिंग में BRB जुड़ा है, तो अगर हम नंबरिंग करें तो CHO से जुड़ी कार्बन को यहाँ पर एक नंबर देंगे, तो एक ये हो गया, यहाँ पर दो मिल जाएगा, और यहाँ पर जो BR है कितने से जुड़ी है, तीसरे वाले से जुड़ी है। अब सामान्य नाम में हम क्या करते हैं, ऑर्थोमेटा पैरा यूज़ करते हैं, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, 1-3 पोजीशन को क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन। तो यहाँ पर जो BR है ये किस पोजीशन पर जुड़ा है, मेटा, तो मेटा ब्रोमो हो गया, BR के लिए क्या पूर्व लग्न आता है, ब्रोमो, तो मेटा ब्रोमो। और फिर जनक सदस्य का नाम, जनक सदस्य का नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। अब इसी का अगर IUPAC नाम बनाएंगे तो सिर्फ मेटा नहीं लगाएंगे, मेटा की जगह क्या लगा देंगे, इसका स्थान निर्धारण अंक, जो हमने इस पर नंबर लिखा है कि जो BR है ये किस कार्बन से जुड़ी है, थर्ड वाले कार्बन से जुड़ी है, तीसरे कार्बन से जुड़ी है, मेटा की जगह यहाँ 3 आ जाएगा, तो इसका नाम IUPAC नाम हो जाएगा इसका 3-ब्रोमो-बेंजल्डिहाइड, ऊपर वाला ये सामान्य नाम है और ये क्या है इसका IUPAC नाम है। इसी में एक कंपाउंड और लें तो इसी तरह इसको भी आप बना सकते हैं, तो यहाँ पर NO2 जुड़ा है, किस पोजीशन पर जुड़ा है, 1, 2, 3, 4, तो ये 1-4 वाली पोजीशन है, ये 1 होगा, ये 4 होगा, यहाँ पर 2-3 आ जाएंगे, तो 1-4 पोजीशन में कौन सी कहलाती है, पैरा, तो ये पैरा हो जाएगा, और इसके लिए क्या पूर्व लग्न आता है, नाइट्रो, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर मेटा छपा है, इसको आप पैरा कर लीजिए, तो पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, तो ये तो हो गया इसका सामान्य नाम। अब IUPAC नाम बनाएंगे तो 1, 2, 3, 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4-नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैरा की जगह इसका लोकेंड रख देंगे हम, इसका स्थान निर्धारण अंक, ये किस कार्बन से जुड़ा था, ये चौथे
तो 4-नाइट्रो-बेंजाल्डिहाइड। तो इस प्रकार एलिफैटिक और एरोमेटिक यौगिकों के कुछ सदस्यों के आप IUPAC नाम बना सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो एल्डिहाइड और कीटोन पढ़े थे, अभी तो जो रूल सीखे हमने वो एल्डिहाइडों के लिए सीखे, अब आते हैं कीटोनों के लिए। तो कीटोन किसे कहते हैं? RCO आर सूत के यौगिकों को। कीटोनों में बीच में CO होता है और इधर भी R जुड़ा रहता है, इधर भी R जुड़ा रहता है, या R सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसके पहले रूल देखते हैं हम कि रूल क्या होता है। पहले इसका सामान्य नाम लेते हैं। तो सामान्य नाम होता है इसका एल्किल कीटोन, यहाँ जो क्रियात्मक समूह है कीटो ग्रुप है, कीटोन श्रेणी के सदस्य हैं। तो नाम के अंत में कीटोन लगाना है हमने और आगे से क्या लगाना है हमने? एल्किल। तो यहाँ इसका सामान्य नाम क्या बन जाएगा? एल्किल कीटोन। अब एल्किल यहाँ पर हमारे पास दो मौजूद हैं, एक तो एल्किल ये है और एक एल्किल ये है। तो अगर ये एल्किल सेम होते हैं तो डाई वगैरह यूज़ कर सकते हैं हमें, एक जैसे होंगे तो डाई लगा दिया। लेकिन अगर ये अलग अलग होंगे तो फिर आप किसका पहले नाम लिखेंगे? तो उसके लिए फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लेते हैं, या इसको हम बोलते हैं वर्णमाला क्रम, ABCD के क्रम से। पहले आप इसका भी नाम देखेंगे, इसका भी नाम देखेंगे, जो ABCD में बाद में आ रहा होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो वर्णमाला क्रम से एल्किल का नाम लिखना है और उसके पीछे से कीटोन जोड़ देना है। तो ये सामान्य नाम के लिए रूल हो गया। अब IUPAC नाम के लिए रूल बनाना है, तो इसका अनुलग्न याद होना चाहिए आपको। कीटोन का अनुलग्न होता है ओन, तो जनक सदस्य एल्केन, एल्केन प्लस ओन कर देंगे, तो एल्केन प्लस ओन एल्केनोन। तो IUPAC नाम बनाएंगे हम एल्केनोन से और सामान्य नाम बनाएंगे एल्किल कीटोन से। इसको कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं तब आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। तो जैसे हमने पहले इसका पहला सदस्य ले लिया कि RR की जगह हमने मेथिल डाल दिया, CH3CO CH3। और इसका आपने सामान्य नाम बनाना है किससे? एल्किल कीटोन। तो एल्किल यहाँ कौन से हैं? मैथिल। और यहाँ भी कौन सा है? मैथिल। आर यहाँ भी मैथिल है, यहाँ भी मैथिल है, तो दोनों तरफ मैथिल है। तो एक ही समूह अगर दो बार आ जाए तो उसके लिए क्या लगा देते हैं? डाई। तो कितने मैथिल जुड़े हैं? दो। तो एल्किल की जगह डाई मैथिल और CO ग्रुप आ रहा है तो कीटोन। तो इसका सामान्य नाम क्या बन गया? डाई मैथिल कीटोन। इसका एक और नाम जानना चाहें तो इसको एसीटोन भी कहा जाता है, या तो डाई मैथिल कीटोन या एसीटोन। अब आते हैं इसका IUPAC नाम। तो IUPAC नाम के लिए हम अंकन करेंगे कार्बन श्रृंखला का, कहाँ से जहाँ से CO ग्रुप नज़दीक पड़े। अब CO यहाँ कहीं से भी नंबरिंग करेंगे, एक ही बात पड़ी है, यहाँ से नंबर डालेंगे तब भी दो पर आएगा और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तब भी दो पर आएगा। तो यहाँ कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन रूल क्या होता है कि हमेशा अंकन उस सिरे से करते हैं जहाँ पर ये CO नज़दीक पड़े। अब यहाँ तो दोनों जगहों से एक जैसी स्थिति आ रही है तो हमने कहीं से भी नंबरिंग कर दी। अब IUPAC नाम बनाते हैं इसका एल्केनोन। तो एल्केन कौन सा है? 3 कार्बन से कौन सा एल्केन आएगा? प्रोपेन। तो प्रोपेन में ओन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन। इसका IUPAC नाम हो गया प्रोपेनोन। इसका सेकंड मेंबर लेते हैं CH3CO CH2CH2CH3। अब यहाँ पर ये वर्णमाला क्रम वाला रूल लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर कौन सा आर है? मैथिल। और CO के इधर कौन सा आर है? 3 कार्बन वाला। 3 कार्बन वाला क्या होता है? प्रोपिल। अब जो मैथिल होता है, मैथिल ये किससे शुरू होता है? एम से। और प्रोपिल किससे शुरू होता है? पी से। प्रोपिल समूह पी से शुरू होगा। तो अब ABCD में कौन पहले आता है? एम। तो पहले आप किसका नाम बोलेंगे? वर्णमाला क्रम से, यानी मैथिल। तो मैथिल। अब फिर किसका नाम बोलेंगे? प्रोपिल। तो एल्किल की जगह आ गया मैथिल प्रोपिल। और प्रोपिल में भी ये तीनों कार्बन क्या हैं? एक सीधी श्रृंखला बना रहे हैं। तो प्रोपिल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, नॉर्मल आइसो वगैरह। तो जहाँ सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़े हों तो वहाँ नॉर्मल लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। तो इसका सामान्य नाम बन गया, पहले मैथिल बोलेंगे वर्णमाला क्रम से, फिर नॉर्मल प्रोपिल, एन माने नॉर्मल सामान्य, यहाँ सीधी श्रृंखला हो, शाखित होती तो आइसो बन जाता, लेकिन ये सीधी श्रृंखला है तो नॉर्मल प्रोपिल। और CO के लिए क्या लगा दिया हमने? कीटोन। तो एल्किल की जगह यहाँ आ गया मैथिल एन प्रोपिल, तो मैथिल एन प्रोपिल कीटोन। अब आते हैं इसका IUPAC नाम। तो IUPAC के लिए आपने नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहाँ से CO नज़दीक पड़े। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि CO यहाँ से तो दूर पड़ जाएगा, तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे हम? बाई ओर से। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। तो इस तरह से नंबरिंग की हमने। तो यहाँ पर जो CO ग्रुप आ रहा है कहाँ पर आ रहा है? 2 पे आ रहा है। अब 5 से कौन सा एल्केन बनेगा? पेंटेन। और पेंटेन में 2 पे क्या जुड़ा है? ओन। तो इसका सामान्य IUPAC नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन 2-ON। तो सामान्य नाम मैथिलेन प्रोपिल कीटोन और IUPAC नाम पेंटेन 2-ON। 2 पे फंक्शन ग्रुप आ रहा है तो 2 पे ओन लगा देंगे, तो पेंटेन 2-ON बन जाएगा।
ऐसे अगला लेते हैं उसका सी एस सी का उल्टा है सी एच, सी ओ सी एस सी एस सी का उल्टा है। अब इसका आपने सामने नाम बनाना है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो सी ओ के इधर ग्रुप है वो इधर भी है। अब इधर क्या है, तीन कार्बन वाली एल्किल यानी प्रोपिल, लेकिन ये शाखित वाली है, सी एस सी का होल ट्वाइस करके आ रहा है, यानी शाखा बनी हुई है, तो कैसा प्रोपिल है, आइसो प्रोपिल। अब यहाँ भी आइसो प्रोपिल, यहाँ भी आइसो प्रोपिल, तो कितने आइसो प्रोपिल हमारे पास, दो, तो डाई आइसो प्रोपिल हो गया। तो इसका सामान्य नाम बन जाएगा डाई आइसो प्रोपिल, और लास्ट में क्या जोड़ देना हमने, कीटोन। अगर एक ही चीज़ दो बार रिपीट हो रही हो तो उसको ये आगे से डाई लगा देते हैं, जैसे यहाँ डाई मैथिल कीटोन हो गया, तो ये क्या हो गया, डाई आइसोप्रोपिल कीटोन। अब आते हैं इसका आईयूपीएसी नाम, तो आईयूपीएसी नाम बनाने के लिए आपने थोड़ा इसका ध्यान रखना है कि सी एस सी का उल्टा ही सी एच क्या होता है, ये जैसे पीछे एल्डिहाइड के लिए किया था हमने, तो वैसे इसमें भी करेंगे कि सी एस सी का उल्टा ही सी एच का मतलब ये दोनों जो मैथिल समूह हैं इससे जुड़े हुए। तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि जो दूसरा मैथिल समूह है ये इसके नीचे से हम सिंगल बॉन्ड लगा के जोड़ देते हैं। वही चीज़ यहाँ भी करेंगे कि जो ये होल डाइस है, दूसरा वाला सी एच, दूसरा वाला जो मैथिल समूह है वो इसके नीचे से, इस सी एच के नीचे से सिंगल बॉन्ड लगा के जोड़ देते हैं। तो पहले हमने इस सूत्र को ऐसे करके लिख दिया, अब इसमें नंबरिंग करते हैं, तो अंकन कहाँ से करेंगे, यहाँ भी एक ही बात पड़ रही है, सी ओ यहाँ से करेंगे तब भी तीन पे आ रहा है, यहाँ से करेंगे तब भी तीन पे आ रहा है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो एक दो तीन चार पाँच, तो यहाँ पर जो फंक्शन ग्रुप आया ये कहाँ पर आया, थर्ड वाले में, जो सी ओ ग्रुप आ रहा है वो तीसरे में आ रहा है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, पाँच से क्या बना आपका, पेंटेन। लेकिन उससे पहले आपने ये देना पड़ेगा प्रतिस्थापियों के नाम, तो प्रतिस्थापी यहाँ कहाँ कहाँ पर जुड़े हैं, एक तो जुड़ा है फोर पे, एक जुड़ा है टू पे, तो टू फोर, और कौन से प्रतिस्थापी जुड़े हैं, मैथिल, तो टू फोर दो मैथिल हैं तो डाई मैथिल, तो टू कॉमा फोर डाई मैथिल, और फिर इसके लिए बनाओगे आप, तो पाँच से क्या बन गया, पेंटेन, और थ्री पे क्या जुड़ा है, ओन, इसका आई यू पी एस नाम क्या हो जाएगा, टू कॉमा फोर डाई मैथिल, ये आप देख सकते हैं, टू फोर, टू और फोर दोनों पे क्या जुड़े हैं, दो मैथिल, तो टू फोर डाई मैथिल, और पाँच से कौन सा एल्केन बन गया, पेंटेन, और थ्री पे क्या आ रहा है, सी ओ ग्रुप यानी ओन, तो थ्री ओन, तो टू फोर डाई मैथिल पेंटेन थ्री ओन। तो इस तरह से आप आई यू पी एस नाम किसी जटिल से जटिल का भी आसानी से लिख सकते हैं अगर आपको रूल आते हों। कुछ एरोमेटिक की बात की जाए तो जैसे यहाँ एरोमेटिक हमने कीटोन ले लिया है, सी ओ के इस तरफ फेनिल समूह जुड़ा है, इस तरफ मैथिल समूह जुड़ा है, तो सामान्य नाम बनाएंगे, तो ये मैथिल है, ये फेनिल है, ये पी से शुरू होगा या एम से, तो पहले किसका नाम आएगा अल्फाबेट के लिए, एम वाले का, तो पहले आया मैथिल, फिर आया फेनिल, और फिर सी ओ के लिए क्या आ गया, कीटोन, तो इसका सामान्य नाम होता है मैथिल फेनिल कीटोन, या ये एसिटोफिनोन नाम से भी जाना जाता है, तो ये दोनों इसके सामान्य नाम है, या तो मैथिल फेनिल कीटोन या इसको हम एसिटो फिनॉन भी बोल देते हैं। और इसका आई यू पी एस सी नाम बनाना है, तो आई यू पी एस सी नाम के लिए यहाँ कार्बन की अंकन तो एक ही हुई है, तो एक पे क्या जुड़ा है हमारा, फेनिल, और यहाँ दो कर देते हैं, तो एक पे फेनिल जुड़ा है तो वन क्या हो जाएगा, फेनिल, और दो से क्या बन गया, एथेन, और वन पे क्या जुड़ा है, ओन, तो इसका आई यू पी एस सी नाम हो जाएगा वन फेनिल एथेन वन ओन, वन पे फेनिल और दो से क्या बन गया, एथेन, और वन पे क्या जुड़ा है, ओन। तो इसी प्रकार अगर यहाँ भी बेंजीन रिंग जुड़ी हो तो यहाँ भी फेनिल है, यहाँ भी फेनिल है, तो दो फेनिल हो जाएंगे, तो यहाँ मैथिल फेनिल की जगह डाई फेनिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डाई फेनिल कीटोन, या जिसको हम बेंजोफिनॉन भी बोलते हैं। अब आई यू पी एस सी नाम बनाना है, तो नंबरिंग इसमें केवल इसमें हो सकती है कार्बन में, एक, तो एक के इधर भी फेनिल जुड़ा है, इधर भी फेनिल जुड़ा है, तो वन कामा वन डाई फेनिल, तो वन कामा वन डाई फेनिल, और एक से क्या बन गया, मैथेन, तो डाई फेनिल मैथेनोन, मैथेन पर ओन जुड़ा है तो क्या बन जाएगा, मैथे नोन। तो इस तरह से कुछ ये एरोमेटिक है, क्योंकि भी आप ले सकते हैं आई पी एस सी नाम। इसके बाद आते हैं कार्बनिल समूह की संरचना, तो जो एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिगम जो चैप्टर का नाम है उसमें हमने देखा कि तीनों में क्या समानता होती है, कि तीनों यौगिकों में कार्बनिल समूह पाया जाता है, और ये कार्बनिल समूह होता क्या है कि अगर कार्बन ऑक्सीजन से द्विबंध द्वारा जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिल समूह। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो कार्बनिल समूह है इसकी संरचना कैसी होती है, तो उसके लिए आपको यहाँ संकरण निकालना पड़ेगा कार्बन पर, और कार्बन पर संकरण पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा बंधों की संख्या गिन लेते हैं। इसके लिए रूल क्या होता है कि सभी एकल बंध सिग्मा बंध होते हैं, एक रूल आप रट लो कि कहीं भी आपने कार्बनिक यौगिकों में संकरण पता करना है
तो आप क्या करना, सिंगल बॉन्ड देख लेना, तो जितने एकल बंद होते हैं उतने ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सभी जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बंद होते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बंद है, ये भी सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा बंद है, और ये डबल बॉन्ड है। अब डबल के लिए क्या रूल होता है कि एक डबल बॉन्ड एक सिग्मा और एक पाई से बना होता है, सारे सिंगल बॉन्ड सिंगल होते हैं लेकिन जो डबल होता है वो एक सिग्मा और एक पाई से, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा और दो पाई से। तो यहाँ पर आपने संकर निकालते समय केवल सिग्मा बॉन्डों को देखना है, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कार्बन से कितने जुड़े हैं, एक दो तीन, तो यहाँ पर तीन सिग्मा बॉन्ड है, तीन सिग्मा बॉन्ड से कौन सा संकरण हो जाएगा, sp2। तो यहाँ पर जो कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु है वो sp2 संकरित होता है। अब जहाँ sp2 संकरण हो वहाँ आकृति कैसी पाई जाती है, त्रिकोणीय समतली, तो उसका मतलब ये जो तीनों समूह होंगे जो यहाँ पर होगा और जो ये ऑक्सीजन है ये तीनों एक ही तल में होते हैं, और यहाँ पर त्रिकोणीय समतली में जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का पाया जाता है, 120 अंश का पाया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा कार्बनिक समूह का स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने एक पाई बॉन्ड को भी दिखाना है, तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, उसके लिए हम कार्बन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु के जो पी कक्षक के ऑर्बिटल हैं उनमें पार्श्वयातिज्यापन करा देते हैं। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो कार्बनिक समूह होता है सी डबल बॉन्ड हो, इसमें कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण होता है, sp2। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, आपने एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो तीन सिग्मा बॉन्ड से कौन सा बना, sp2। तो यहाँ पर जो कार्बन परमाणु है, याला जो कार्बन परमाणु है ये sp2 संकरित होता है, तो sp2 संकरित होता है तो इसके जो तीन सिग्मा बॉन्ड है वो बनाता है। अब कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो कार्बन का चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन कार्बन के असंकृत पी कक्षक में होता है। ये क्या कह रहा है कि कार्बनिक समूह में कार्बन परमाणु, ये कार्बनिक समूह है इसका ये जो कार्बन परमाणु है ये sp2 संकरित अवस्था में होता है, इस पर कौन सा संकरण है, sp2, तथा तीन सिग्मा आबंध निर्मित करता है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना रहा है, एक यहाँ बना रहा है, एक यहाँ बना रहा है। अब कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन का जो चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के असंकृत पी कक्षक में होता है, तो यहाँ पर जो असंकृत कक्षक दिखाया कार्बन का, यहाँ पर इसका फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन ने तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो असंकृत पी कक्षक में है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन के पी कक्षक के साथ अतिव्यापन करके पाई बंध बनाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑक्सीजन का पी कक्षक है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इससे अतिव्यापित होकर क्या बनाता है, पाई आबंध बना देता है, जिसको हमने यहाँ पर दिखा रखा है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु पर दो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ऑक्सीजन पर दो LP भी होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के आठ बाह्यकोष में छः इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो ने तो भाग ले लिया, बचे चार, तो उन चार इलेक्ट्रॉनों को यहाँ आप लोन पेयर के रूप में दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार कार्बनिक समूह का कार्बन तथा उससे आबंधित तीन परमाणु एक ही तल में होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ sp2 संकरण होता है तो वहाँ आकृति कौन सी बन जाती है, त्रिकोणीय समतली संरचना। तो त्रिकोणीय समतली संरचना का क्या मतलब है, ये जो कार्बन हो गया और उससे जो जुड़े समूह हो गए तीन समूह, एक तो ऑक्सीजन है और एक यहाँ पर भी कुछ समूह जुड़े होंगे, तो ये तीनों समूह क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ पर इस तल को भी दिखा रखा है, तो ये जो तीनों समूह हैं इसी तल में, और जबकि पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र इस तल के ऊपर और नीचे होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉनों का ये जो अभ्र है एक इस तल के ऊपर है और एक इस तल के नीचे है, या इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो तीन समूह हैं कार्बन से जुड़े हुए जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो वो तो एक ही तल में हैं, और जो पाई बॉन्ड हैं ये इस तल के ऊपर और नीचे होते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो कार्बनिक समूह उसकी संरचना प्राप्त हो जाती है। संक्षेप में हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु sp2 संकरित होने के कारण त्रिकोणीय समतली आकृति का होता है, और इसमें कार्बन से जुड़े जो तीनों समूह होते हैं वो एक ही तल में स्थित होते हैं और एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, इसलिए इस आकृति को क्या बोल देते हैं, त्रिकोणीय समतली। और जहाँ त्रिकोणीय समतली होती है तो वहाँ बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, बराबर हो जाते हैं, टोटल 360 का होता है, तो ये सारे बॉन्ड एंगल कितने हो जाएंगे, 120 डिग्री के हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने इनके नामकरण, इनके परिचय और कार्बनिक समूह की संरचना के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोनों को किस प्रकार बनाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।